मुरादाबाद एंटी करप्शन की टीम ने सीएमओ कार्यालय में संविदा कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर को रिश्वत देते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा कर्मचारी नवीन कुमार को 3000 की रिश्वत देते मुरादाबाद एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार किया। नवीन कुमार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देने के अवैध में 3000 की रिश्वत मांग रहा था, जिसकी शिकायत पीड़ित ने मुरादाबाद एंटी करप्शन से की। मुरादाबाद एंटी करप्शन की टीम ने आज जाल बिछाकर 3000 की रिश्वत देते रंगे हाथों नवीन कुमार को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। जनपद रामपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में तैनात संविदा कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर नवीन कुमार, जो आज मुरादाबाद एंटी करप्शन की टीम ने बी फार्मा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देने के अवैध में नवीन कुमार 3000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। पीड़ित कैलाश ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम मुरादाबाद से की थी। आज 3000 की रिश्वत लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में तैनात नवीन कुमार को एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार किया। अच्छा कैलाश जी, ये जो आपने शिकायत की थी किस चीज़ को लेकर की थी? ये सर सीएमओ कार्यालय है जी, और यहाँ पर सर एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जो बैठते हैं यहाँ पर, और डी फार्मा का जो लेटर है सर, प्रशिक्षण होता है 3 महीने का जी, जी उसके लिए सर कई सारे छात्र पूर्व में ही आए थे और रिश्वत काफ़ी समय से ये ले रहे थे। जब मेरे समझाने में आई तो मैंने एंटी करप्शन मुरादाबाद मंडल को एक प्रार्थना पत्र दिया था इस संबंध में, जिससे कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो। अच्छा, ये पूरा मामला है जनपद रामपुर का। ठीक, जनपद रामपुर। ठीक, ऐसा है कि हमारे यहाँ शिकायतकर्ता श्री कैलाश सिंह पुत्र राम कुमार निवासी ग्राम बजावाला पोस्ट खेड़ा थाना अजीम नगर जनपद रामपुर द्वारा ये सूचना दी गई कि कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा कर्मी जो नवीन है वो 3000 रुपये की मांग कर रहे हैं, और उनको जो है प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देने हेतु 3000 रुपये की मांग कर रहे थे। इस शिकायत पर हमारी टीम गई और उन्होंने इस पर जो है लेक्चर की कार्रवाई की और इनको 3000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा।